तो स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी के ताजा एपिसोड में। मैं हूं ऋषभ पारेख और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और सारी ई कॉमर्स साइट सेल्स दे रही हैं अपने प्रोडक्ट्स पे जो उन बेच रहे हैं वो, और जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज है ना वो नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। भाई ये लो वो लो, मतलब डेली के डेली नए स्मार्टफोन आ रहे हैं। तो Xiaomi, चाइनीज कंपनी Xiaomi ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Redmi 8A। तो क्या खास है इस फोन में, क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, नहीं क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ये कम बजट में बहुत ज्यादा देने वाला है, मतलब स्पेसिफिकेशन ज्यादा देने वाला है। तो ये कम बजट में ज्यादा स्पेसिफिकेशन देने वाला फोन है। तो बात करते हैं क्या होंगे इसके स्पेसिफिकेशन, क्या होंगे इसके फीचर और क्या होगी इसकी कीमत। जैसा कि आपको पता है कि Xiaomi का जो 7A था वो बहुत अच्छा फोन था और उसने इंडियन मार्केट में बहुत धूम मचाई थी, बहुत लोगों ने खरीदा था। तो Xiaomi ने ये रियलाइज किया कि इंडिया में अगर हम कम बजट में भी स्मार्टफोन लेके आए ना तो इंडिया के लोग उसे ज़रूर खरीदेंगे। तो उसी चीज़ को वो ध्यान में रखकर जो कम बजट में एक और स्मार्टफोन, एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किया उन्होंने, Redmi 8A। तो शुरुआत करते हैं इसकी बिल्ड डिज़ाइन और लुक से। तो इसमें जो बॉडी है वो आपको पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई बॉडी मिलेगी जो हाथ में लेने में काफ़ी प्रीमियम और ठीक ठाक दिखती है। अब इसका मेन बात ये है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो रियलमी C2 जैसी है, मतलब उसी की डिज़ाइन से ये इंस्पायर्ड होगी, शायद उन्होंने अपना नया स्मार्टफोन का डिज़ाइन तैयार किया है। आगे बात करते हैं इसके स्क्रीन की। Redmi 8A में आपको मिलेगी 6.2 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, मतलब 6.2 इंच मतलब काफ़ी अच्छा साइज है कंपेयर टू जो पहले जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन आए थे उनसे, ये काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होगी इसकी।